हेलो माय डियर वंस, आज हम करने वाले हैं हारा मेडिटेशन। हारा यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ फायर, और हारा एक जापनीज़ वर्ड है जिसका मतलब होता है लोअर एब्डोमिन। जापनीज़ लैंग्वेज और कल्चर में हारा का बहुत ही स्पिरिचुअल और मेंटल वेलबींग के रेफरेंस में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। अब हारा आपने शायद पुराने घरों में देखा भी होगा कि घर में एक सेंटर था जहाँ पर हमेशा आग जलती रहती थी। वो आग कोई भी बुझने नहीं देता था, बिल्कुल हमारे शरीर में भी, हमारे जो बेली बटन है उससे रफली 2 इंचेस बिलो हमारे अंदर हारा सेंटर है, यानी कि हमारे अंदर एक अग्नि है जो हमेशा जलती रहती है। और वो अग्नि जब तक जलती रहेगी हम जीवित रहेंगे, और जब हम प्राण त्यागते हैं तो वो अग्नि बुझ जाती है। सो, हम अपने हारा को प्रोटेक्ट करके रखें ताकि वहाँ पर अग्नि प्रज्वलित रहे और हम स्वस्थ रहें, क्योंकि उस अग्नि का जलते रहना और सही तरीके से जलते रहना, वहाँ पर वो एनर्जी होना, अब कोई रियल में आग नहीं जल रही है आपके अंदर, अग्नि का मतलब है वो आपके अंदर की हीट जो सफिशेंट मात्रा में अगर मेंटेन रहती है आपके शरीर में तो आपका डाइजेशन भी बहुत अच्छा रहता है, आप हर तरीके की बीमारी से दूर रहते हैं। सो, आज हम अपने उसी हारा सेंटर को एनर्जाइज करेंगे। मैं आपको मेडिटेशन कराने वाली हूँ। आराम से कमर को सीधा रखकर बैठ जाएं और कोमलता से अपनी आँखों को बंद कर लें और इस ब्यूटीफुल हारा मेडिटेशन को चलिए एक्सपीरियंस करते हैं। आँखें बंद, एक लंबा और गहरा सांस शरीर के अंदर भरें। इनहेल, एक्सेल, रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। फील करें हर आती हुई सांस आपके अंदर रिलैक्सेशन को बढ़ा रही है और हर बाहर जाती हुई सांस आपके रिलैक्सेशन को मल्टीप्लाई कर रही है। आपकी बॉडी में किसी भी तरीके की कोई भी टेंशन, स्टिफनेस है तो उसे भी रिलीज कर दें। फिर से एक लंबा और गहरा सांस शरीर के अंदर भरें। इनहेल, एक्सेल, रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। महसूस करें ये रिलैक्स वर्ड, जैसे ही आप सुन रहे हैं एक वेव ऑफ रिलैक्सेशन हेड टू टो आपकी पूरी बॉडी में स्प्रेड हो रही है, और जैसे जैसे ये वेव ऑफ रिलैक्सेशन हेड टू टो आपकी बॉडी में ट्रैवल कर रही है वैसे वैसे आपकी बॉडी एकदम लाइट होती जा रही है, माइंड एकदम काम होता जा रहा है और आप बहुत ही ज़्यादा अच्छा महसूस करें, एकदम रिलैक्स, 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 रिलैक्स। और आप इमेजिन करें कि आपके नेवल से 2 इंचेस बिलो आपका एनर्जी सेंटर, जो आपको ग्राउंडेड रखता है, जो आपको पावर देता है, जहाँ से हीलिंग एनर्जी आपकी पूरी बॉडी तक पहुँचती है और आपका पूरा शरीर एकदम स्वस्थ रहता है, मन खुश रहता है, आपका सारा ध्यान आप अपने हारा सेंटर पर लगा रहे हैं, वो ऊर्जा का सूत्र जहाँ से वो जीवन ज्योत जलती रहती है, आपके शरीर को पर्याप्त तापमान मिलता रहता है, आप अपने उसी सेंटर पर ध्यान लगा रहे हैं। और अब ध्यान लगाते वक्त ऐसे इमेजिन करें, सोचें, माने कि वहाँ पर एक ज्योति जल रही है, वो ज्योति आपको अपने प्रकाश गर्मी से रोशन किए हुए है। आपके हारे सेंटर में वो ज्योति जगमगा रही है और आज डिवाइन पावर को इन्वोक करें और उनसे एनर्जी को
रिसीव करने के लिए तैयार हो जाएं। यहाँ पर आपके हारा सेंटर में जो जीवन ज्योत जल रही है, उसकी शक्ति को और बढ़ाने के लिए ऐसे इमेजिन करें, सोचें, सूर्य की कल्पना करें, सूर्य से किरणें सीधा आपके हारा सेंटर पर पड़ रही हैं और वो आपकी इस जीवन ज्योत को मानो और शक्ति दे रही हैं, जैसे एक घी के दिए में बाती जलती है और वो घी उस बाती को रोशन रखता है। बिल्कुल ऐसे ही सूर्य की किरणें आपके अंदर जलती भी उस प्राण लौ को, वो सारी शक्ति, वो बिल्कुल बाती को मिलने वाला वो तेल घी उसी का काम कर रही है और आपका हारा सेंटर और ज्यादा एनर्जाइज हो रहा है और आपकी वो जीवन ज्योत और ज्यादा अच्छे से जल रही है। आप रोशनी ही रोशनी देख रहे हैं, उस रोशनी की ऊर्जा को गर्मी के रूप में महसूस कर रहे हैं और सूरज की किरणें जब आपके हारा पर पड़ रही हैं तो आपके इस एनर्जी सेंटर में पर्याप्त ऊर्जा यहाँ स्टोर हो गई है और यहाँ की इकट्ठी हुई पर्याप्त ऊर्जा अब आपके पूरे शरीर में फैल रही है। महसूस करें उस गर्मी को अपने शरीर के बाकी अंगों में फैलता हुआ, महसूस करें, महसूस करें आपके शरीर के हर एक अंग तक ये प्राण ऊर्जा की गर्मी आप महसूस कर रहे हैं और ये प्राण ऊर्जा आपके शरीर के हर एक अंग को स्वस्थ कर रही है। आपके शरीर में कहीं पर भी कोई दर्द तकलीफ है वो सब इस प्राण ऊर्जा शक्ति से ठीक हो रहा है। आपके शरीर से वो दर्द बाहर जा रहा है। आपके शरीर पर कोई चोट है, अंदरूनी बाहरी, वो सब इस शक्ति से हील हो रही है। हर तरीके के कष्टों से आपको मुक्ति मिल रही है। आपके गिरते हुए बालों की जड़ें अब मजबूत हो रही हैं। आपकी आंखों की रोशनी बढ़ रही है। आपके चेहरे पर एक ऊर्जा, एक चमक सज रही है। आपके अंग अंग में ये ऊर्जा आपको अनंत शक्ति से भर रही है। आप बहुत ही ज्यादा अच्छा महसूस कर रहे हैं। आपके शरीर का हर एक अंग एकदम सहज ऊर्जावान हो गया है और आप बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हैं। आपके शरीर के सारे कष्ट इस प्राण ऊर्जा ने मिटा दिए हैं और अब ये प्राण ऊर्जा आपके मस्तिष्क तक पहुंच रही है और हारा से निकलती हुई प्राण ऊर्जा जब आपके शरीर के बाकी अंगों से गुजरती भी आपके मस्तिष्क तक पहुंची है तो वहां पर भी आपके अंदर जोश, कुछ कर दिखाने का जुनून, जज्बा, आत्मविश्वास
उस सब ऊर्जा शक्ति को ये प्राण शक्ति बढ़ा रही है। आपके थॉट्स में क्लैरिटी आ रही है, आपका मन उस क्लैरिटी से, आत्मविश्वास से भर गया है। उस आत्मविश्वास की शक्ति से, उस ऊर्जा से सर से लेकर पांव तक शरीर के हर एक अंग में सकारात्मक ऊर्जा ही ऊर्जा है और आप बहुत ही ज़्यादा अच्छा महसूस कर रहे हैं, बहुत अच्छा। आपका मन और शरीर पूरी ऊर्जा से भर गया है। हारा की ये ऊर्जा आपके हार्ट चक्र तक जब पहुंच रही है, यहां से होकर गुजरते हुए आपके थ्रोट चक्र, आपके आज्ञा चक्र और सहस्त्रधार तक जब पहुंच रही है, हर जगह ये ऊर्जा एक बैलेंस क्रिएट कर रही है। आपके सातों चक्र एनर्जाइज हैं, बैलेंस्ड हैं, शरीर का एक एक अंग बिल्कुल स्वस्थ है, मन खुश है, स्वस्थ है। अंतरात्मा तक सुकून को महसूस करें और बहुत ही अच्छा महसूस करते हुए यहाँ पर फिर से अपना ध्यान अपने हारा पर, ऊर्जा के उस केंद्र पर लेकर आएं और यहाँ पर जो जीवन ज्योत जल रही है, अपने दोनों हाथों को अपने इसी सेंटर पर रखें और उस गर्मी को महसूस करें और अपने अंदर की इस शक्ति को महसूस करते हुए अपने आप को विचार दें कि मेरे हारा की अग्नि ऐसे ही हमेशा प्रज्वलित रहेगी। जो भी भोजन मेरा शरीर ग्रहण करेगा, ये अग्नि उसका पाचन बहुत अच्छी तरह से करेगी और वहाँ से मिली हुई शक्ति को शरीर के सभी अंगों तक बहुत अच्छी तरीके से ये प्राण शक्ति पहुँचा देगी। इस विश्वास के साथ मैं खुशी खुशी पूर्ण स्वास्थ्य को प्राप्त होकर ऊर्जा में जीने के लिए तैयार हूँ। और आप महसूस करें सूर्य की किरणें जो आपके हारा को और एनर्जाइज कर रही थी, वो सब आपके चारों तरफ स्प्रेड हो रही हैं। आपका ऑरा पूरी तरीके से स्ट्रांग हो गया है, आपके चारों तरफ सुरक्षा का आवरण बन गया है, एक गोल्डन शाइनिंग रेडिएटिंग बबल जिसे आप ऑरा के नाम से जानते हैं। सूरज की किरणों ने आपके हारा को एनर्जाइज कर कर आपके चारों तरफ इस बबल को क्रिएट कर दिया है। ये आपका ऑरा है, इस ऑरा में हंसिए, मुस्कुराइए और पूर्ण स्वास्थ्य को अपने भीतर महसूस करें, महसूस करें। आपका रोम रोम हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है, मन में खुशी ही खुशी उमंग है, शरीर में पूर्ण स्वास्थ्य की अनुभूति है। आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं और आप अपने दोनों हाथों को जोड़कर अपने सीने के सामने रखें और प्रार्थना करें। जैसे सूर्य की किरणों से आपका हारा एनर्जाइज हुआ, आपका शरीर स्वस्थ हुआ, मन स्वस्थ हुआ, अंतरात्मा तक सुकून पहुंचा, ऐसे ही सूर्य अपनी कृपा सब पर बरसाएं। सबके अंदर प्राण शक्ति का ये केंद्र हारा ऐसे ही यहाँ की गर्मी को बैलेंस रखे, ये जीवन ज्योत सबके अंदर जगमगाती रहे। ईश्वर सबको ब्लेस करें, सब में सद्भावना हो, खुशहाली हो, सब अपने पूर्ण स्वास्थ्य को प्राप्त हों और साथ ही साथ ईश्वर को धन्यवाद करें और इस विश्वास को अपने अंदर महसूस करें कि आप अपनी अंतिम सांस तक ऐसे ही ऊर्जावान,
ऐसे ही खुशहाल सुकून में रहेंगे और आपके हारा की जीवन ज्योत ऐसे ही चलती रहेगी। अंत में सूर्य को प्रणाम करते हुए प्रार्थना करें कि सूर्य की किरणें ऐसे ही आपके हारा को एनर्जी से भरपूर रखें और खुद से वादा करें कि आज से रोज अपने हारा को, यहाँ की प्राण ज्योत को ऐसे ही प्रज्वलित रखने के लिए, ऊर्जा से भरपूर रखने के लिए सेंटर को आप रोज 5 मिनट सूर्य स्नान करेंगे और आप हंसते मुस्कुराते पूर्ण स्वास्थ्य की अनुभूति करते हुए धन्यवाद के भाव से अपने दोनों हाथों को मिलाएं और इस ऊर्जा को अपने चेहरे पर महसूस करते हुए मुस्कुराते हुए आंखें खोलें। आपके चेहरे पर सूर्य का तेज है, आपके शरीर में वो पर्याप्त ऊर्जा है जो आपके सपनों को पूरा करने में आपको मदद करेगी। शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य के आप मालिक हैं और आप खुशहाली से अपना जीवन जीने के लिए तैयार हैं। ईश्वर की कृपा आप पर सदा बनी रहे। आपके भीतर बैठे हुए परमात्मा को मेरा नमन। सो माई डियर्स, इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना है, क्योंकि सब स्वस्थ रहेंगे, खुशहाल रहेंगे तो जीवन जीने में हमें बहुत ही मज़ा आएगा। तो इस वीडियो को सबके साथ शेयर करें। अगर आपने अभी तक के जे टॉक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो के जे टॉक्स को सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना खास ख्याल रखिएगा।